आज दोस्तों मेरे पास में एक आईफोन 6 है डैड, जो कि मुझे मिला है कुरियर में। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये डैड कंडीशन में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या फॉल्ट है। तो आप देखिए डीसी की रीडिंग, ये डीसी के साथ कितनी रीडिंग ले रहा है। तो ये फुल शॉट है। तो अब इस सेट की सबसे पहले ना कंडीशन चेक करनी है हमको। ये आप सेट की कंडीशन देखिए, यहां पर तो देखिए एक बार मैं यहां से भी चेक करके दिखाता हूं शॉटिंग आपको। ये रीडिंग आ रही है बी बैट की और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये शॉट है। तो शॉटिंग की जो रीडिंग होती है दोस्तों, अभी रिवर्सिबल में इस तरह से रीडिंग आती है। तो अगर हम इस आईसी पर थोड़ा सा देखें काम क्या क्या हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर है ना एक बूस्ट कॉइल निकाला गया है। ये आपकी चार्जिंग का बूस्ट कॉइल होता है, ये नहीं होगा तो चार्जिंग आपकी होगी ही नहीं। ये चार्जिंग बूस्ट है और आप देखें तो यहाँ पर भी एक कॉम्पोनेंट हुआ जो निकाला गया है। तो इस कॉम्पोनेंट को अगर हमको देखना है तो हमको सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए। मैं जो यूज कर रहा हूँ JCID। तो मैं इसमें ये कॉम्पोनेंट भी अभी पहले इसकी सॉर्टिंग निकाल देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, इसका ऊपर का पतरा निकला हुआ है और हालांकि कोई ग्लू नहीं हटा पर पतरा बस निकाला हुआ है। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर तो आप ध्यान दीजिए, पीछे भी सारे केन और जो यहां पर एक लगा रहता है कागज जैसा प्रोटेक्टिव फिल्म जो वो भी निकली हुई है। और आप देखिए यहां पर YouTube पे कोई काम नहीं हुआ है इसकी चार्जिंग आईसी पर। यहाँ पर देखिए कॉम्पोनेंट यहाँ से निकाला गया है, तो ये सॉर्टिंग निकालने के लिए ये निकाला होगा। और यहाँ पर भी देखिए कुछ कॉम्पोनेंट यहाँ से भी उखाड़े गए हैं। तो चलिए इसकी सॉर्टिंग निकालते हैं। मैं पहले बेसिक रोजिंग यूज करूंगा, नहीं निकलेगा तो फिर मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने रोजिंग डाला हुआ है। ये VCC की लाइन होती है और ज्यादातर ये लाइन शॉर्ट होती है। तो पहले हम इसको चेक कर देते हैं, स्टेप टू स्टेप हम रोजिंग लगा के चेक कर लेंगे। अगर आईफोन का अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा तो आप आईफोन बहुत अच्छे से बना लेंगे। दोस्तों अगर आपको आईफोन सीखना है तो आप एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करें, हम आपको बहुत बेहतर तरीके से आईफोन सिखाएंगे। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कनेक्टर लगाया, ये देखिए, और यहाँ पर आपको देखा है। तो यहाँ पर ये कॉम्पोनेंट सबसे पहले हीट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप एसर टेलीकॉम ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, और जो भी हम प्रैक्टिकल बताते हैं वो लाइव बोर्ड पे बताते हैं। ऐसा नहीं कि सामने डेड बोर्ड रखकर हम उस पर सिर्फ रीडिंग बताएं, हम उसको चालू भी करते हैं, उस पर प्रैक्टिकली GR बताते हैं और वोल्टेज बताते हैं। और दोस्तों प्रैक्टिकली वोल्टेज बताने का मतलब ये नहीं है सिर्फ ऊपर से हम उसके IC निकालते हैं, उसके अंदर के GR कि अगर उसको EN सिग्नल मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है, उसको अगर कोई कमांड वोल्टेज मिल रहा है CPU से तो कहाँ से मिल रहा है, और उसके बाद उसको लगाकर उसके आउटपुट वोल्टेज भी बताते हैं, साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी अगर जनरेट कर रही है तो वो कहाँ से कर रही है। तो ये सारी चीज़ हम अपने कोर्स में हम बताते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वू जिंग से मैं आपको सिखाऊंगा, ZXW से मैं आपको सिखाऊंगा, JCID, जिन जाओ और बहुत सारे
टूल्स होते हैं जो आईफोन में जरूरी होते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे दूंगा। आईसी रिबॉल करना, पेस्टेड आईसी को रिमूव करना, यू2 जैसी छोटी छोटी आईसियाँ, या तो बात करें आईफोन में सबसे छोटी आईसी से लाइट आईसी को निकालना लगाना, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो और इसके अंदर के फॉल्ट हम देखेंगे, तो उसके सर्किट सप्लाई हम जानेंगे कि कभी भी अगर आपको लाइट का कोई फॉल्ट आता है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोर्स में आपको जो रहना और खाना रहता है आईफोन ट्रेनिंग की कोर्स में, वो आपको अलग होगा और बहुत ही मिनिमम चार्जेस में रहना खाना आपको यहाँ पर लगेगा। और उसके अलावा ये 6 दिन का एक कोर्सेस होगा दोस्तों, जिसमें हम एक आपको लाइव बोर्ड भी देंगे अपने आपकी ट्रेनिंग के लिए, जैसे iPhone 6 का एक देंगे, iPhone 7 का एक देंगे, और उसके ऊपर तो आपको एसर टेलीकॉम में आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो जो हमने प्रैक्टिकली खुद बनाए हुए हैं, और आपको ये देख के समझ में आया होगा क्योंकि दोस्तों हम बहुत टाइम से आईफोन पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं जो अभी नए नए खुले हैं, जो ट्रेनिंग लेकर जो इंस्टीट्यूट खोल के चला रहे हैं, जिनको अभी टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा आपको देख कर ये शॉर्ट है कि नहीं इंस्टीट्यूट अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कम फीस के कारण आप कहीं चले जाओ, पता चलो फिर वहाँ पर आप सीख ना पाओ और फिर आपके साथ फिर आपको लगे कि धोखा हुआ है। तो ये चीज़ होती है क्योंकि ये फैसला भी आप ही का होता है कि आप उधर को आप एक ऐसी जगह से चुन रहे हो जो ऑलरेडी कम फीस के साथ पढ़ा रहा है, कम सोर्सेज के साथ पढ़ा रहा है, रिसोर्स उसके पढ़ाने के मटेरियल है, उसके पढ़ाने का नॉलेज कितना है, वो सब आप बिना जाने से एक खाली एक सेटअप देख कर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ सीख नहीं पाए। और हम क्योंकि ऑलरेडी बहुत 6 सालों से ऊपर हमारा तो हम ऑलरेडी 6 सालों से ऊपर का हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो एक बार ऐसा टेलीकॉम जरूर आए और अपना भविष्य बनाए। अब एक बार हम शॉर्टिंग यहाँ पे वापस चेक करेंगे, तो देखिए हमारी शॉर्टिंग निकल गई है और 0.07 ये है, ये बहुत ही माइनर शॉर्टिंग आ रही है। खैर ये लीकेज भी देखेंगे, बट अभी फिलहाल एक बार देखते हैं कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और लोगों पर आ रहा है कि या क्या हो रहा है, क्योंकि चार्जिंग तो नहीं होगी इसकी, ये तो 100% डन है। फिर मैं और दोस्तों वीडियो में बने रहना क्योंकि मैं बताऊंगा कि जिस लाइन से मैंने कैपेसिटर लगाया था वो कैपेसिटर कितना इम्पोर्टेंट है या है कि भी नहीं है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों तो वो माइनर शॉर्टिंग है वो भी अलग हो गई है, आप डीसी की रीडिंग देख सकते हैं, आप देखिए वहां पे अभी 0.0 आ रहा है। देखिए फोन तो हमारा चालू हो गया है दोस्तों, अगर आपको ऐसी सीखना है मोबाइल रिपेयरिंग और अच्छा सीखना है और आप चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट आदमी से सीखें, आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट बंदा जो और अच्छी टीचिंग के साथ, तो फिर एसर टेलीकॉम ही ज्वाइन करना, क्योंकि एसर टेलीकॉम में एक्सपीरियंस भी है और आप एक ब्रांड है, आपने देखे होंगे आईफोन के इतने सारे वीडियो डाले हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो रिपेयरिंग के वीडियो डाल पाते हैं। तो आपको हमारा नॉलेज हमारे यूट्यूब चैनल पर दिखता होगा। तो देखिए हमारा फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो जो कैपेसिटर है वो कहाँ लगा हुआ है, तो ये GC ID है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे
वो जो कैपेसिटर है वो मैंने ये कैपेसिटर निकाला है, और ये जो मैंने कैपेसिटर निकाला है यहाँ पे आप इसको डायग्राम में देखिए, तो ये VCC मेन लाइन का कैपेसिटर है, ठीक है, जो ये बूस्ट कॉइल से जुड़ा हुआ है और जो इस IC से जुड़ा हुआ है, और ये IC है आपकी लाइट IC है। तो हमें यहाँ पे वो कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज हम ये वाला कैपेसिटर निकाल देते ना तो हमको कैपेसिटर लगाना पड़ता, नहीं तो हमारी हो सकती थी लाइट नहीं आती या फिर ब्राइटनेस कम आती, क्योंकि ये हमारे सारे फिल्टर कैपेसिटर हैं, आप देख सकते हैं कितने बोल्ड के लगे हुए हैं, तो यही हमें कैपेसिटर यहाँ पर लगाना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही सीखना है एडवांस लेवल पे आईफोन या फिर एंड्रॉयड, तो आप हमारे को कॉल कीजिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे और अपनी सीट को बुक कीजिए, अगले महीने की सीट आप बुक कीजिए और मिलते हैं क्लास में। एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।